तुष्टिकरण काले राम विरोधी पुति है और अब देखिए राम और शंकर पर यानी प्रभु श्री राम और भगवान शिव पर परिवार के ट्रैक रिकॉर्ड का विश्लेषण। 10 जनवरी 2024 सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। देखा दोस्तों, जब से कांग्रेस वालों ने राम मंदिर निमंत्रण को ठुकरा दिया है तो कुछ गोदी मीडिया वाले ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे राम मंदिर जाने पर सारे भाजपाई कांग्रेस को ही वोट दे देते। सही पकड़े हैं। यहाँ महंगाई से देश परेशान है, बेरोजगारी से देश का बुरा हाल है, लेकिन इस सब मुद्दों को छोड़कर ये गोदी मीडिया वाले हर मुद्दे में जाति धर्म ऐसे फिट कर देते हैं जैसे हर सब्जी में फिट हो जाता है आलू, क्योंकि ये लोग हैं बहुत चालू। वैसे दोस्तों, श्री राम के आने की खुशी राम भक्त ही समझ सकते हैं, वरना असुर तो तब भी दुखी थे और आज भी हैं। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं निमंत्रण तो यही साबित करने के लिए दिया गया था कि राक्षस कौन है और इंसान कौन है, राम भक्त कौन है और राम विरोधी कौन है। और दोस्तों, वहां जाने के लिए किस्मत चाहिए जो कांग्रेसियों में नहीं है। 2024 के लिए इन सारे नेताओं के लिए कोई मुद्दा और नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। वैसे दोस्तों, मैं एक पुरानी बात बताता हूँ। सच में घोर कलयुग चल रहा है। पहले यज्ञ हवन में दानों बिना बुलाए पहुँच जाते थे और अब बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं। और ये गोदी मीडिया वाले कहीं इन शंकराचार्य लोगों को भी न बताने लगे कि ये धर्म विरोधी हैं, क्योंकि जिसमें राम की आस्था नहीं वह राक्षस प्रवृत्ति है। क्योंकि शंकराचार्य लोगों का कहना है मंदिर अभी आधा अधूरा है। और कुछ लोग मजाक मजाक में यह भी कह रहे हैं मंदिर तो एक बहाना है, असली मुद्दा 2024 के वोट का खजाना है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो दोस्तों, देखा यहाँ आप लोगों ने, यहाँ सांड की क्या गलती। किसी ने कह दिया होगा बीजेपी वाले सबके खाते में 15-15 लाख दे रहे हैं, फिर वह भी अपना 15 लाख लेने के लिए बैंक पहुँच गया। और जहाँ जगह जगह सांड खेतों में डारे डेरा, वह उत्तर प्रदेश है मेरा। एक पहले की सरकार थी कि डकैत आते थे, प्यार से बंदूक दिखाते थे और सब कुछ लूट कर ले जाते थे। और अब हमारे योगी बाबा की सरकार है जो कि लोग इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि सांड को भी अंदर आने से नहीं रोकते हैं। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। या फिर यह भी हो सकता है जो किसानों को मिल रहा है 2-2 हजार, वो अपने हिस्से का टैक्स जमा करने गया हो। और जैसे नेता लोग उल्लू बनाते हैं लगाकर मंच, वैसे इन बैंकों में चलता रहता है हमेशा लंच। क्योंकि इस बैंक का सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा था, इसको भी करना चाहिए सस्पेंड। और इन्हीं छुट्टा जानवरों की वजह से खेतों की फसल बर्बाद हो जाता है। कपकपाती ठंड में काम करके किसान रात को भी सांड भगाता है और इन्हीं के चक्कर में लोगों की चली जाती है जान। फिर भी साहब लोग इस पर नहीं देते हैं जरा भी ध्यान। इसीलिए ताबड़तोड़ बेइज्जती करते हुए कुछ लोग कहते हैं जो लोग कम करने आए थे महंगाई और आए थे किसानों की दुगुनी करने आए, उन्हीं की कृपा से आज दोगुने हो गए हैं सांड और गाय।